वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। और इस वक्त हूँ मैं श्रीनगर में, आज हमारा चौथा दिन। और आज हम जा रहे हैं श्रीनगर से गुलमर्ग, जो कि है तकरीबन 54 किलोमीटर। और श्रीनगर से जाने में लगता है करीबन 1.5 घंटा। और श्रीनगर से जाने में बहुत सुंदर नज़ारा, ये देखिए आप, ये क्या नज़ारा है भाई, पूरी वादियाँ, छोटे छोटे घर। और ये चल रहा है यहाँ पे पानी, आप देख सकते हो, ये पानी जो पहाड़ों से आता है और पहाड़ों से होके ये जाता है सीधा गांव में, और यही लोग शायद यूज़ करते हैं पानी। देखो क्या शानदार पानी है भाई। लेकिन यहाँ पर है सेल्फी पॉइंट, भाई क्या खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ अगर आप आए तो ज़रूर यहाँ पे सेल्फी लें। यहाँ देखिए, यहाँ से पूरा का पूरा पहाड़ आपको दिखेगा। और मरियम कैसा लग रहा है? मतलब इतना अच्छा लग रहा है, कुछ कुछ मुझे ऐसा लग रहा है भाईजान मूवी में नहीं है, मुझे थोड़ा थोड़ा हाँ। तो भाईजान मूवी की पूरी शूटिंग कश्मीर में ही हुई थी, कहीं बाहर नहीं। कश्मीर में शूटिंग हो गया ना, उसको दिखाया गया था कि पाकिस्तान में। तो भैया ये है सेल्फी पॉइंट। पहाड़ों में भुट्टे खाने की वजह कुछ और है। एक तो भुट्टे मिलेंगे ऊंचाई पे, दूसरे भुट्टे मिलेंगे बहुत महंगे, 50 का 1 भुट्टा है, 100 के 2 भुट्टे हैं, क्योंकि हाइट पे मिलते हैं ना, यहाँ लाना बड़ा मुश्किल है, इसलिए ये लोग 50 रुपए का 1 भुट्टा बेच रहे हैं। फाइनली भाई हमने गुलमर्ग में कर ली एंट्री, और यहाँ पे कुछ साइन बोर्ड लगे हुए हैं, गुलमर्ग की वादा शुरू। अभी है ना, पूरी ग्रीनरी है। तो भाई गुलमर्ग में इस वक्त तो बर्फ नहीं है, लेकिन गुलमर्ग से ऊपर देखो क्या शानदार बर्फ है। वहाँ पे आपको जाने के लिए गंडोला लेना पड़ेगा। गंडोला लेने के लिए आपको पहले से प्री बुकिंग करनी पड़ेगी। लेकिन भाई साहब ये देखो आप, शानदार बर्फ ही बर्फ है भाई। और यहाँ पर घोड़े वाले भी भाई, उनसे बार्गेनिंग कर लेना। यहाँ पे घोड़े वाले ना बहुत ज़्यादा पैसे मांगते, 2000-3000, तो उनसे पहले बार्गेनिंग कर लेना, शायद 400-500 में एक घोड़ा हो जाएगा। आपने ऑनलाइन बुकिंग किया है ना गंडोला का, तो आप आ सकते हैं, वो भी 10 से 15 दिन पहले। और अगर आपने गंडोला का ऑनलाइन बुक नहीं किया हुआ है तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। इसलिए अगर आप गुलमर्ग आना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप ऊपर बर्फ़ पर जाएं, और दो पीक है 1 और 2, तो उसके लिए आपको शायद पहले पड़ाव के लिए 740 रुपये का टिकट लेना पड़ेगा, वो भी ऑनलाइन होता है, और करीबन 10 से 15 दिन पहले। तो हम जा रहे हैं गंडोला, लेकिन लगता नहीं कि हमें गंडोला का टिकट मिल जाएगा। देखो भाई ऊपर से आ रही है ये पानी माशाल्लाह, और सामने है गंडोला, ये जो आप देख रहे हैं ना, बहुत ख़तरनाक है। देखो एक ही बंदे का जाने का रास्ता है, गंडोला राइड। ये देखो यहाँ से गंडोला निकलेगा, और वो आपको ये निकला, देखो ये निकला, पूरा लेके जाएगा ऊपर। गंडोला का जो फर्स्ट फेज है ना, वहाँ तक हम कोशिश करेंगे खुद जाने की। तो गंडोला तो भाई टिकट बड़ा महंगा है, तो भाई साहब पहले ही बुकिंग करा लेना, वरना देखो वो जा रहा है गंडोला। हमें नहीं मिला टिकट, और इस वजह से हम जा रहे हैं खुद, जहाँ तक जा सकते हैं। मेरे पीछे देखो गंडोला है, लेकिन भाई वो ऑनलाइन बुकिंग होती है, ऑनलाइन बुकिंग हमने करी नहीं, इस वजह से पैदल जाना पड़ रहा है। तो भाई टिकट नहीं मिला तो हमें खुद ही ट्रैकिंग करनी पड़ रही है, वहाँ से करीबन बहुत ऊंचा है गंडोला मेरे पीछे, लेकिन क्या करें, टिकट नहीं मिला तो खुद ही जाना पड़ रहा है। यहाँ का जो मौसम है वो कभी बदल सकता है। जब हम नीचे से आए थे तो हो रही थी गर्मी थी, धूप निकला हुआ था, लेकिन अभी यहाँ पे हो रही है हल्की हल्की बारिश, तो हो सके तो अपने साथ में छाता लेकर आएँ। दो काम करेगा छाता, एक तो आपका सपोर्ट बनेगा, और दूसरा आपको बारिश से बचाएगा। तो यहाँ कभी भी बारिश हो सकती है। तो गंडोला तो हमें मिला ही नहीं भाई, तो भैया आप तो हम जा रहे हैं नीचे, हमारी हिम्मत नहीं ऊपर जाने की, बहुत सारा चढ़ाई चढ़ी थी, 1-1.5 किलोमीटर आके हमने छोड़ दिया, गए हम तो जा रहे हैं घर। फाइनली भाई हम अपने घर आ गए हैं, और टाइम हो गया 11:30, क्योंकि लेट हो गए थे वहाँ से निकलते निकलते, बीच में कहीं ब्लॉग का एंड नहीं कर पाया। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।